हेलो दोस्तों, 2023 के अंदर एक मूवी आई थी जिसका नाम था साइलेंट नाइट। अब ये मूवी जो है ये है एक्शन थ्रिलर मूवी। अब ये मूवी कैसी है, क्या इस मूवी के ऊपर आप लोगों को अपना कीमती वक्त देना चाहिए भी या नहीं, यही सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन मूवी की रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें, क्योंकि मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए डेली इसी तरीके से हॉलीवुड की मूवी जब हिंदी डब में आ जाती है तो उसकी रिव्यू। तो चले दोस्तों, अब चलते हैं इस मूवी की रिव्यू की तरफ। दोस्तों मूवी की कहानी जो है वो शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक बाप बेटा और बीवी जो है ये लोग एक गार्डन के अंदर जो है ना वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जो है दो गैंगस्टर जा रहे थे और उन दो गैंगस्टर के अंदर जो है वो फायरिंग हो रही थी, उनके अंदर शूटिंग हो रही थी। तो उसमें से एक गैंगस्टर की शूटिंग की गोली इस बंदे के बच्चे को लग जाती है और बाद में इसका बच्चा मर जाता है। और वहीं पे एक और गैंगस्टर होता है जब ये भाग रहा होता है अपनी जान बचाते तो वो इस बंदे को गोली मार देता है सीधा इधर गले के अंदर, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ चली जाती है। बस फिर ये इसी चीज़ पर घूमता रहता है कि यार मैं तो अपने बच्चे को वहाँ खिला रहा था, फिर अचानक ये गैंगस्टर कहाँ से आ गया और उन्होंने मेरे बच्चे को क्यों मार दिया और फिर इसको भी मार के इसको गूंगा कर दिया हमेशा के लिए। तो बस एक तरीके से आप समझिए कि इसके अंदर जॉन विक वाली कहानी, मतलब जॉन विक में उसको कुत्ता मार देता है और इसके अंदर इसका बच्चा मर जाता है। तो बस फिर ये इसी चीज़ में लग जाता है कि ये अपने आप को ट्रेन वगैरह करता है, क्योंकि ये ट्रेन तो होता नहीं है, जो अपने आप को खुद ही ट्रेनिंग देता है, फाइटिंग की ट्रेनिंग, शूटिंग की ट्रेनिंग, शूटिंग की प्रैक्टिस करने जाता है। जब आप उस चीज़ों को देखोगे, आप फील करोगे ना, तो आप इमोशनली इसके साथ बिल्कुल जो है कनेक्ट कर जाओ कि हाँ यार एक ऐसे ही पता जिसके बच्चे को अचानक मार दिया और वो एक शरीर सा आदमी हो और फिर वो कैसे पता लेगा। तो बस यही सारी चीज़ें आपको इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। दोस्तों मूवी के अंदर ओवरऑल बात करें इसकी एक्शन की, तो इसके अंदर जो एक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कमाल का एक्शन है। मूवी की स्टोरी भी ऐसी है कि शुरू से लेकर एंड तक आपको बिल्कुल अपने में जो है ना वो बांधे रखेंगे। अब दोस्तों अगर बात करें इसकी IMDb रेटिंग की, तो इसकी IMDb रेटिंग है 5.3 की, जबकि मेरे हिसाब से तो इसको IMDb रेटिंग 6 या 6.3 की मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है और इसकी स्टोरी में भी दम है और इसका एक्शन में भी दम है। तो दोस्तों मेरी तरफ से इस मूवी के लिए जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है, आप लोगों को बिल्कुल ये मूवी देखनी चाहिए और आप ये मूवी देखेंगे तो आप लोग देख के एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें।